कांग्रेस का कार्य है, उनके पास में कोई न नीति है, न नियत है, न उनका कोई नीतिकार है। अब इटली से चल के उनकी नीति बन के आएगी, वो भारत में लागू नहीं होगी। यानी ये मम्मी बेटे की और जीजी जियाजी की, चार जनों की जो पार्टी कंपनी है और उनके मित्र ठगबंधन, उनका भी डब्बा गोल है। और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अग्रणी आगे बढ़ रही है, देश के विकास में, जन कल्याण के काम में, गरीब जनता की सेवा में। यानी कहते हैं कि जनता की पार्टी है, जनता के द्वारा चुनी हुई है, जनता के द्वारा बनाई हुई है। और ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार भी बन रही है। तो कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है, परेशान है। कैंडिडेटों की स्थिति है कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस टिकट दे आता है, यानी कैंडिडेट तैयार नहीं है। और स्थिति और बुरी हो गई कि जो एक एक व्यक्ति जीत के आया है अपने दम पर, उसके साथ पार्टनरशिप करने की स्थिति बन गई। यानी जिस कश्ती में सवार हो रही है उसको भी डूबेगी और खुद भी डूबेगी, ये तो तय है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अभी तक 3 महीने में केवल पीएसओ बदलने और मंजिल दर्शन करने में सरकार बदलाव जो है वो यहाँ पे व्यस्त रही है। अशोक गहलोत जी को सीधा संदेश है कि आपने 5 साल होटल में बिताए, 5 साल आपने और सचिन पायलट साहब ने अपने आप को होटल में बिताया और अपने आप की मुख्यमंत्री कुर्सी से आप चिपके रहे और आपने कहा कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं। तो अब क्या हुआ, कुर्सी को अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट जी ने बिल्कुल ऐसा छिनवा दिया कि आज अशोक गहलोत जी का कोई अस्तित्व नहीं है, न सचिन पायलट जी का भविष्य है। इसलिए अब अशोक गहलोत जी कुछ भी बोले उनकी बात का कोई मायना नहीं है। यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक रूप से 25 के 25 सीट आदरणीय मोदी जी को मजबूती के लिए जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए अशोक गहलोत साहब। रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दी है बीजेपी के खिलाफ, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा परिवार का संगठन और भाजपा परिवार में इतना बड़ा विश्वास पूरी जनता का है, 142 करोड़ का है, इसे कहीं फर्क नहीं पड़ता कोई कहां से भी खड़ा हो। जहां भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी पर जो गारंटी पर विश्वास है लोगों का, उस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। सबको पता है कि हमारी प्रदेश की उन्नति, देश की तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में है, इसे कोई भी अपना वोट खराब करना नहीं चाहेगा। वह कमल के फूल को आदरणीय मोदी जी को जानता है और वह उसी को वोट देगा। एक अंतिम सवाल आपसे कि मंजू शर्मा जी ने बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या विकास का मुद्दा रहेगा विशेष? जिस प्रकार से आदरणीय रामचरण बोरा साहब का 10 साल का अनुभव है, 93,000 करोड़ रुपए का उन्होंने काम करवाया है, उसी काम को कई गुना अधिक अब मंजू बहन जी भी करेगी। वो शहर की बेटी है और पूरे जयपुर नगर की चारों कोणों की, यानी 8 सीट की प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये माने कि जयपुर के विकास अग्रणी रूप में अब होने वाला है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। बोरा जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे, उन्हीं के अनुभव को लेके, उनका साथ और आशीर्वाद लेके, मंजू बहन जी भी अपने पिताजी का अनुभव और आशीर्वाद लेके और हम सबको साथ लेके ऐतिहासिक विकास के काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।